महाभारत युद्ध के 36 साल बाद गांधारी के श्राप का असर दिखने लगा था। आपसी झगड़ों में यादवों का विनाश हो गया और श्री कृष्ण के आदेश पर अर्जुन बचे हुए यादवों को लेकर हस्तिनापुर चले आए। बलराम ने समाधि ले ली और श्री कृष्ण ने पैर पर तिल लगने की वजह से अपने देह का त्याग किया। अब दोस्तों, आप शायद यह सोच रहे होंगे कि रामायण के बाली की जगह हम आपको महाभारत की कहानी क्यों सुना रहे हैं। तो दोस्तों, शायद आप यह बात जानकर चौंक जाएंगे कि जिस शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर पर तीर मारा था उसका नाम जरा था और जरा ही अपने पिछले जन्म में वीर वानर बाली था। तो दोस्तों, आज हम आपको इस तरह बाली से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक बातें बताएंगे जिनके विषय में शायद ही आपने कभी सुना हो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, बाली रामायण काल का अति वीर वानर था और उसने अपने बल से रावण तक को हराया था। अगर प्रभु श्री राम उसे आदेश देते तो एक पल में लंका को तबाह कर माता सीता को छुड़ा लाता। शायद आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि बाली ने समुद्र मंथन में भी अपनी भूमिका निभाई थी और वहां मौजूद एक अप्सरा से विवाह भी किया था। जी हां दोस्तों, उस अप्सरा का नाम तारा था और अंगद इन्हीं दोनों के पुत्र थे। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार तारा के पिता वैद्यराज सुशील तारा के सगे पिता नहीं थे, बल्कि वे तो बाली के समान ही तारा से विवाह करना चाहते थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तारा वैद्यराज सुशील की बेटी बन गई। दोस्तों, समुद्र मंथन के समय वैद्यराज सुशील और बाली दोनों देवताओं की सहायता हेतु पहुंचे थे। वहां तारा को देख दोनों मोहित हो उठे और दोनों के बीच में तारा से विवाह को लेकर होड़ लग गई। यह देख श्री नारायण ने बाली को तारा का पति घोषित किया, क्योंकि वो तारा के दाहिनी ओर खड़े थे और वैद्यराज सुशील को तारा का पिता घोषित किया, क्योंकि वो तारा के बाईं ओर खड़े थे। वीर वानर बाली के विवाह की कहानी जितनी रोचक है, उससे कई ज़्यादा रोचक है बाली के जन्म की कथा, क्योंकि जिसने बाली को अपने गर्भ से जन्म दिया था वह कभी पुरुष हुआ करता था। दोस्तों, प्राचीन काल में बड़ा शक्तिशाली वानर हुआ करता था जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध था। वह बिना किसी रोक टोक के अपने क्षेत्र में विचरण किया करता था, लेकिन एक दिन वो घूमता हुआ अपने क्षेत्र के बाहर आ गया, जहां उसने एक खूबसूरत तालाब को देखा। देखते ही वानर ने तालाब में छलांग लगा दी और उसमें स्नान करने लगा। जैसे ही वो स्नान करके बाहर आया, वो तो एक अत्यंत खूबसूरत स्त्री में बदल गया। दोस्तों, वो तालाब ब्रह्मदेव द्वारा श्रापित तालाब था। उस तालाब को श्राप था कि जो भी पुरुष उसमें स्नान करेगा वह स्त्री बन जाएगा। दोस्तों, माना जाता है जब उस स्त्री रूपी वानर को इंद्रदेव ने देखा तो फिर उस पर मोहित हो उठे और बाली इन्हीं दोनों के मेल से पैदा हुआ था। ठीक इसी प्रकार सूर्यदेव और स्त्री रूपी वानर के मेल से सुग्रीव का जन्म हुआ। इस प्रकार बाली को इंद्रदेव और सुग्रीव को सूर्यदेव का पुत्र माना जाता है। दोस्तों, बाली को ब्रह्मदेव का वरदान था कि जो भी उससे लड़ेगा उसका आधा बल बाली में प्रवेश कर जाएगा। यही कारण था कि कोई भी बाली को सीधे युद्ध में हरा नहीं पाता था। रामायण के मुख्य खलनायक रावण को तो बाली ने अपनी बाजू में दबाकर पूरे पृथ्वी के चक्कर काटे थे और रावण की दुर्गति कर दी थी। दोस्तों, किष्कंधा के राजा बाली ने न सिर्फ रावण बल्कि धुंधली और मायावी नामक दो शक्तिशाली दैत्यों को हराया था। धुंधली बड़ा ही बलवान दैत्य था जो मल्ल युद्ध में माहिर माना जाता था। धुंधली ने एक से एक श्रेष्ठ बलवान को हराया था और वो एक दिन युद्ध की कामना के साथ राजा हिलवान के पास पहुंचा। राजा हिमवान ने तो उसे युद्ध से मना कर दिया, लेकिन हिमवान ने उसे बाली के बारे में बताया। बाली के बल के बारे में जानकर धुंधली कुपित हो उठा और वो बाली के पास पहुंच गया। किष्कंधा पहुंचते ही धुंधली ने बाली को युद्ध की चुनौती दे दी, लेकिन बाली ने धुंधली की हंसी उड़ाते हुए उसे युद्ध से मना कर दिया। धुंधली ने जब बाली को कटु शब्द कहे तो बाली भड़क उठा और दोनों के मध्य भयानक मल्ल युद्ध छिड़ गया। दोस्तों, बाली मल्ल युद्ध में माहिर था और उसने पलक झपकते ही धुंधली को पलरोग भेज दिया।
बाली इतने गुस्से में था कि दुंडवी की मृत्यु के बाद भी शांति नहीं मिली और बाली ने उसके शव को उछाड़कर दूर फेंक दिया। उड़ते हुए दुंडवी के शव के रक्त के छींटे मतंग मुनि के आश्रम में जा गिरे। ये देख मतंग मुनि क्रोधित हो उठे और उन्होंने बाली को ये श्राप दिया कि बाली उनके आश्रम के आसपास भी भटकेगा तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। परंतु कहानी अभी यहीं समाप्त नहीं हुई। दुंडवी का बड़ा भाई मायावी, उससे भी बड़ा राक्षस और मायावी ने भी बाली को मल युद्ध की चुनौती दी। इस बार मायावी से लड़ने हेतु बाली अपने छोटे भाई सुग्रीव को भी अपने साथ लेकर आया। मायावी और बाली अंदर गुफा में युद्ध कर रहे थे और बाहर खड़ा सुग्रीव उनके युद्ध की समाप्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। जब युद्ध समाप्त हुआ और बड़ी देर बाद भी बाली गुफा से बाहर नहीं आया तो सुग्रीव को लगा कि बाली को मार के मायावी भी गायब हो गया, इसलिए सुग्रीव ने उस गुफा को बड़े से पत्थर से ढक दिया और स्वयं किष्कंधा का राजा बन शासन करने लगा। लेकिन एक दिन बाली वापस आया और उसने क्रोध में सुग्रीव को देश निकारा कर दिया, उसकी पत्नी रोमा का हरण कर लिया। सालों तक सुग्रीव हनुमान और अन्य वानर भटकते रहे। बाद में सुग्रीव और श्री राम में मित्रता हुई और प्रभु ने अपने बाण से बाली को परलोक भेज दिया। मरते हुए बाली ने जब श्री राम से इसकी वजह पूछी तब श्री राम ने उस बाली को उस पाप की याद दिलाई जो उसने अपने छोटे भाई की पत्नी का हरण करके किया था। लेकिन श्री राम ने बाली से यह भी कहा था कि जिस प्रकार आज तुम मेरे बाणों की वजह से देह त्याग कर रहे हो, अगले जन्म में मैं तुम्हारे बाणों से देह त्याग करूंगा। दोस्तों, माना जाता है बाली ने द्वापर युग में जरा नामक शिकारी के रूप में जन्म लिया और श्री कृष्ण के पैर पर इसी ने तीर मारा था। यह श्री कृष्ण के देह का कारण बना। दोस्तों, आप वानर श्रेष्ठ बाली के विषय में क्या जानते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक व शेयर करें। राधे राधे।